क्या हो गया बेटी? बस कर दो सोनिया, एक महीना हो गया है, कब तक खुद को सजा दोगी? What is this बच्चे? गलत फैसला किया था मैंने, खुद को ही सजा दूंगी ना, किसी और के तो नहीं। और तुम्हें लगता है कि मैं और तुम्हारे पापा तुमसे अलग हैं, है ना? पहले भी जब तुमने ये गलत फैसला किया था तो उसकी अजियत मैंने और तुम्हारे बाप ने भुगती थी, और अब जब तुम खुद को टॉर्चर कर रही हो तो खंजर हमारे सीने में चुभ रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग सही गलत फैसले करते हैं, फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, सारी जिंदगी अपने आप को टॉर्चर नहीं करते। They move on. इसे एक नाइटमेयर समझ के भूल जाओ बेटे। नाइटमेयर नहीं था माँ, मेरी जिंदगी का जीता जागता हिस्सा था। ऐसे कैसे भूल जाऊं, उसे इतना आसान है। तो क्या करोगी, सारी जिंदगी खुद को टॉर्चर करोगी? ऐसे नहीं भूल सकती माँ। You have to move on. भूल जाओ। तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी, कभी तुम तकलीफ में होती थी, गिर जाती थी, चोट लगती थी, मैं कुछ भी कहती रहती थी, तुम्हारा रोना बंद नहीं होता था, तुम्हें क्या करती थी? मैं तुम्हें कहती थी मेरी उंगली पकड़ो, जहां मैं कहूं वहां चलो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें याद है ना? सो ट्रस्ट मी बेटे, मैं हूं ना, फिक्स एवरीथिंग फॉर यू।
सोनिया, तुम्हारे लिए। ये क्या है? एक बस छोटा सा गिफ्ट है, कल ही यूके से आया था ना, तो कुछ ले लिया बस तुम्हारे लिए। इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है तुम्हें? मैरिटी तो नहीं बोलो ना, ऐसा तो ना कहो। तो चाहता हूँ कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँ, लेकिन क्या है कि मॉम थोड़ी सी पुराने ख्यालात की हैं। कह रही थी कि जिस लड़की डिवोर्स होती है वो कुछ पीरियड के लिए अकेली होती, तो मैं नहीं। खोल के नहीं देखोगी? पता चले तुम्हें पसंद ही ना आए। नहीं, आई एम श्योर अच्छा होगा। चलो तो फिर खोल के देखो, शायद अच्छी लग जाए। मैं ही नहीं रख सकती। सुनिए, मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां पे तुमने मुझे छोड़ा था। पता है, मैं जब अभी मुल्क से बाहर था ना, तो मैंने 3 बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मगर बदकिस्मती से बच गया मैं। शायद इसलिए बच गया ताकि मैं तुम्हें ये दे सकूं। मुझे प्लीज इनकार नहीं करना। शायद चौथी बार नहीं बच पाऊं।